217 पेटी शराब मिली है जो हरियाणा से आई है और वहाँ पे कोई एबीडी डिस्टिलरी है, वहाँ से अवैध रूप से आई और यहाँ पे आकर उसका क्यूआर कोड, लेबल और ढक्कन बदला जाता है। जब हम लोग को पता चला कि ये मुलजिम घर में नहीं है या ये अभियुक्त जो है घर में नहीं है, तो हम लोगों ने पता लगाया कहाँ पे है, तो पता चला सुभाष विकल के घर में बैठे हुए हैं, लेकिन तब तक दबिश की खबर पहुँच गई थी उन तक, तो वो वहाँ से भी भाग गए थे, वहाँ वो मिले नहीं, लेकिन इनकी तलाश कर लेंगे और इनको पकड़ लेंगे। तकरीबन कितने रुपए की शराब है ये? लगभग 10 लाख रुपए की शराब है और इसको जो है हम लोग अभी थाने में लाए हैं, इनके खिलाफ़ IPC की धाराओं के में भी जो है मुकदमा कायम कराएंगे।